अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कोई भी किसी भी धर्म का हो, अगर जरूरत से ज्यादा कोई शराफत दिखाने लगे तो चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आखिरी दौर है और दौर फितन है। चलो आज एक और सनसनीखेज खबर की तरफ ले चलते हैं जो मेनस्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाया गया। समाज में सबसे आसान धंधा ही धर्म के नाम पर ठगना है, वो फिर हिंदू हो या मुसलमान, आपको इस तरह के ठगने वाले सभी तरफ मिलेंगे। मुसलमानों में भी बाबागिरी कुछ कम नहीं है, लिहाजा ढोंगी बाबाओं की कहानी अक्सर देखते सुनते रहते हैं। आज बात करते हैं मंदिर के पुजारियों की। मंदिर के पुजारियों ने एक खातून की ना सिर्फ इज्जत लूटी बल्कि उसका कत्ल भी किया। आइए इस पूरी खबर पर रोशनी डालते हैं। बंबई की एक खातून जो बेलापुर की है, घर से तनाजात से परेशान थी और घर से निकलकर मुंबई के करीब शीला फाटा मंदिर में पहुंची। घरेलू झगड़े से परेशान थी, पुजारियों ने उससे पूछताछ की तो उन्होंने तमाम मामला अपना बताया, तो पुजारियों ने उसे चाय नाश्ता फिर दोपहर का खाना भी दिया। फिर शाम की चाय देते वक्त उन्होंने चाय में नशे की दवा मिला दी। लिहाजा नशे में 30 साल की खातून के साथ तीन पुजारियों ने बारी बारी मंदिर में इज्जत लूटी। जब सुबह नींद से जाग गई तो उसे एहसास हुआ कि रात में कुछ अनहोनी इसके साथ हुआ है। खातून ने शोर मचाना शुरू किया। शोर मचाती उस खातून को देखकर तीनों पुजारियों को खौफ हुआ कि कहीं अपनी पोल ना खोल दे, लिहाजा तीनों पुजारियों ने उसे पीटना शुरू किया। अपनी पोल कहीं खुल ना जाए, इसी डर से उन्होंने खातून को और पीटना शुरू किया। खातून शोर मचाती रही, आखिरकार पुजारी के भेष में छिपे तीनों दरिंदों ने उस खातून का कत्ल किया। फिर उस लाश को तीनों पुजारियों ने मंदिर के करीब जंगल में फेंक दिया। पर कहते हैं जुर्म को बहुत देर तक छिपाया नहीं जा सकता। उस लाश पर किसी राहगीर की नजर पड़ी तो उसने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने उस लाश की तफ्तीश करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसके बाद पुजारियों पर शक हुआ और आखिरकार भगवे लिबास में छिपे दरिंदों की हकीकत मंजरेआम पर आ गई। पुलिस तफ्तीश में तीनों पुजारियों ने अपना जुर्म कबूल किया। एक पुजारी भागने की कोशिश में था लेकिन उसे भी चीता कैंप से हिरासत में लिया गया। इन तीनों पुजारियों के नाम, इनकी तीनों मुजरिमों के नाम श्याम सुंदर शर्मा, संतोष कुमार मिश्रा, राजकुमार पांडे बताया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश के होने की बात कही जा रही है। अब बात उत्तर प्रदेश की आई है तो इस पर भी थोड़ा गुफ्तगू कर लेते हैं। एक बात इस वक्त याद दिलाना चाहूंगा कि किसी भी धर्म के हो, यूपी बिहार के अक्सर मुजरिमाना जहन होने की बात कही जाती है। अब ये तीनों पुजारी भी यूपी के बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में दरमियान में यूपी बिहार के लोगों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी। इनका कहना था कि यहाँ के लोग मुजरिमाना जहन के होते हैं और जुर्म इन्हीं की वजह से बढ़ता है, इस तरह की बात, जबकि ये हकीकत नहीं है। क्योंकि जुर्म किसी समाज, किसी धर्म, किसी रियासत को लेकर तय नहीं किया जा सकता। कोरोना के दौर में भी कुछ लोग मुख्तलिफ रियासतों के बेलगाम और अतराप में काम करने आते हुए देखा गया। पुलिस रिकॉर्ड में भी कर्नाटक के बाहर के दिगर रियासतों के लोग जुर्म की वारदातों में मुलविस होने की बात सामने आई है। ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे इसी जहनीत के होते हैं। हमने तो ऐसे कई यूपी बिहार के अच्छे लोगों को भी देखा है, उनसे मुलाकात की है, उनसे बात भी करते रहते हैं, पर एक आध बार इस तरह की कोई वारदात हो जाती है, उस रियासत या उस गांव के नाम को लेकर जहनीत बन जाती है। बेलगाम, धारवाड़, हुबली या शुमाली कर्नाटक में भी कुछ एक आध मौलियों की गलती से तमाम को वहां के लोग ठीक नहीं होते या समाज में फूट डालकर या मसलकों को बढ़ावा देकर अपनी जेब गर्म करते हैं, ऐसा कहा भी जाता रहा है। इस तरह की बात होते हुए आज भी देखी जाती है। हो सकता है कि कुछ लोगों ने किया हो, कुछ एक मिसालें भी देखने को मिले, लेकिन ऐसे भी लोग देखे गए जो मिल्लत को मुत्तहिद करने की कोशिश भी करते रहते हैं। हमने इससे पहले भी यूपी के मदरसे में 9 साल के अलीम के कत्ल की बात को इत्तेहाद न्यूज पर दिखाया तो कुछ का कहना था कि यूपी की खबर को क्यों दिखाते हो। ऐसा नहीं है, जहां भी किसी शहर में गैर इंसानी हरकत होती है तो बताना भी जरूरी हो जाता है। अगर किसी और रियासत का शख्स बेलगाम में जुर्म अंजाम देता है तो क्या कहा जा सकता है। खैर, आज के खबर में साधुओं की घिनौनी हरकत पर रोशनी डालना था। समाज में धर्म के नाम पर ठगना कितना आसान हो गया है, क्योंकि मजहब, धर्म जज्बाती मामलात होते हैं। पर क्या ये धर्म के ठेकेदार जो दूसरों को नसीहत और राय रास्त पर चलने की बात बताते हैं, वह खुद ही इस तरह मंदिरों में बैठकर अगर अस्मत रिजी के मामले को अंजाम देने लगे तो इनकी मानसिकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। और यह पहला वाकया नहीं है। लोग बड़े अकीदत से मंदिरों में और बाबाओं के पास जाते हैं, लेकिन जिन सारे लोगों के भरोसे का गलत फायदा उठाते हैं और सीधा इज्जत लूटने तक पहुंचते, मतलब भारत में अक्सर जगहों पर आवाम को इन धर्म गुरुओं ने या पुजारियों ने बेवकूफ ही समझ रखा है। अभी हाल ही में हाथरस में जो हादसा हुआ, 116 लोगों की जान भगदड़ में चली गई, और जिस बाबा साकार हजी के दरबार में हजारों लोग अकीदत से पहुंच जाते हैं, ये बाबा भी अस्मत रिजी के मुकदमों में मुलविस होने की बात सामने आई है और 5 मुकदमों का मुजरिम बताया जा रहा है।
यही बाबा 28 साल पहले इटावा यूपी में हेड कांस्टेबल के तौर पर अपने खिदमत अंजाम दे रहा था। नौकरी के दौरान ही रेप मामले में इसे पकड़ लिया गया और फिर बर्खास्त किया गया। जेल से बाहर आया तो बाबा बन गया। मतलब सीधा है कि जब कुछ नहीं आता तो बाबा बन जाओ। दुनिया झुकती है झुकाने वाला चाहिए की तरह दिगर बाबाओं की कहानियां भी इसी तरह देखी जाती है। अब जब ये तीन पुजारी रेप और कत्ल मामले में जेल जा चुके तो क्या पता कि ये भी जेल से बाहर आने के बाद किसी बाबा का रूप धारण कर ले। बात को समझने की जरूरत है। आज भी इस दौर में हम अंधी तकलीद के पीछे पड़े हुए देखने को मिलता है। अपने आप को जदीद दौर के और तालीम याफ्ता होने की बात करने वाले भी इन बाबाओं के पास पहुंच कर अपनी मुरादों को हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं, परेशानियों का हल तलाशते हैं, जबकि इनके पास जाने के बाद ही परेशानियां और ज्यादा हो जाती हैं। लिहाजा इस तरह की बढ़ती वारदातें पैगाम दे रही हैं कि हालात से कोई बाबा निजात नहीं दिलाता, बल्कि इंसान को ही मुश्किलात का हल तलाशना होता है। तकलीफ के बाद राहत कानून कुदरत है। हर इंसान अमीर नहीं बन सकता, लिहाजा कामयाब जिंदगी का मतलब जितना भी मिल जाता है उसमें शुक्र अदा करे। हालात इंसान को अपने खालिक के हकीकी की तरफ रुजू होने के लिए आते हैं। जो खुद बाबा परेशान ही हो वो क्या तुम्हें राहत दिला देगा। किसी भी समाज का हो धर्म के नाम पर ठगने वालों से हमेशा दूर रहे। खासकर खवातीन इनके झांसे में आसानी से आ जाते हैं। हिर्स लालच का मादा भी मर्दों के मुकाबले में खवातीनों में ज्यादा होता है, इस तरह की बात बताई जाती है। फौरन बातों में आना खवातीनों की फितरत ही कहते हैं, इसलिए गैर मर्दों से ज्यादा गुफ्तगू करने की भी आजादी न दी जाए। जो भी हो इस वाकये को महज एक वारदात न समझा जाए। हमने सिर्फ एक किसी हफ्ते हुए वाकये का जिक्र किया है। समाज में और भी बेड़ी अधर्म का लिबास पहनकर घूम रहे हैं, इन्हें पहचानने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया में हर कोई और अक्सर मजबूरी का फायदा उठाना ही चाहता है। वो मदद के नाम पर तुम्हारी मजबूरी को अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करता है। कोई धर्म की आड़ में अपने आप को बाबा ही क्यों ना कहता हो इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। तारखेला साधारण 2-4 सुमार असे एक व्यक्ती पोलीस स्टेशनला त्यांनी माहिती दिली की गोळ गणपती आहे। गोळ गणपती म्हणजे जो पाइपलाइन रोड आहे आपला, त्या मंदिरापाशी एका महिलेची अर्धनग्न बॉडी पडलेली आहे। तर त्या माहितीच्या आधारावर मग आमच्या पोलीस स्टेशनचे अधिकारी कर्मचारी तिकडे गेले। त्यांनी खात्री केली ते एक मृतावस्थेत स्त्री तिथे आढळली, अर्धनग्न अवस्थेत होती आणि जी अनोळखी होती। तर पहिलं आमच्या पुढे आव्हान होतं की तिची ओळख पटवून, तर त्या दृष्टीने काम सुरू केल्यानंतर येणार आहे पोलीस स्टेशन नवी मुंबईमध्ये आहे, तिथे ती एक मिसिंग दाखल होतं। तर त्या मिसिंगच्या आधारावर मग खात्री केली, तिचा नवराही आला होता आणि त्या महिलेचं नाव अक्षता म्हात्रे, वय 30 वर्ष आहे असं निष्पन्न झालं। आणि त्याच्यानंतर मग पुन्हा आमच्या त्या माहितीच्या आधारावर तपास सुरू झाला। तर गोपनीय माहिती आणि तांत्रिक विश्लेषण करून माहिती घेतली असता शनिवारी सकाळी ती 10:30-10:30 दरम्यान तिथे आलेली आम्हाला लक्षात आलं आणि दिवसभर ती तिथनं तिथंच वर होती, त्यानंतर ती काही खाली आलेली नाहीये। त्यामुळं त्या मंदिरामध्ये जे लोक काम करतात त्यांच्यावर संशय बळावला। आमच्या डीबीच्या टीमनी त्यांना ताब्यात घेतलं आणि इंटरोगेट केल्यानंतर त्यांनी गुन्हा कबूल केलेला आहे। तर याच्यामध्ये 3 आरोपी निष्पन्न झालेले आहेत आणि त्यांना आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे। ही जी मृत महिला होती, त्यानंतर जे तपास झाला त्याच्यामध्ये असं लक्षात आलं की मृत महिला घरामध्ये काहीतरी घरगुती वाद झाल्यामुळे घरातून निघून आली होती आणि या मंदिरामध्ये गेली होती। शनिवारी ती दिवसभर तिथंच थांबली होती आणि हे जे आरोपी लोक आहेत त्यांनीच त्यांना तिला जेवण दिलं होतं, सकाळी पण आणि संध्याकाळी पण। रविवारी रात्री 12-1 दरम्यान त्यांनी तिला चहा दिला आणि चहामध्ये तिला गुंगीचं औषध टाकलं, गुंगीचं औषध म्हणजे भांगेचं औषध दिलं आणि त्याच्यानंतर मग ती तिच्यावर त्यांनी आळीपाळीने तिच्याबरोबर संभोग केलेला आहे। आणि त्यानंतर ज्यावेळेस ती शुद्धीत आली त्यावेळेस ती काय झालं त्यावेळेस कळालं, त्यावेळेस त्यांनी मोठा प्रतिकार केला आणि त्यावेळेस त्यांनी त्यांना तिला गळा होऊन आणि डोक्यात दगड मारून मारलेला आहे। तसंच लाथाबुक्याही तिला मारल्या। तसं साधारण 4-5 दरम्यान ही घटना घडली रविवारी पहाटे। रविवारी दिवसभर त्यांनीच त्या मंदिराजवळ जी एक खोली आहे तिथं तिची बॉडी ठेवलेली होती आणि दुसऱ्या दिवशी म्हणजे जवळजवळ 24 तासानंतर तिने 5:00 दरम्यान ती बॉडी जो मंदिराच्या इथं जो खड्डा आहे खाली तिथं नेऊन टाकली।
तर जो व्यक्ती आम्हाला कव्हर दिला तो त्याच्या मिसेस मंदिरामध्ये दर्शनासाठी गेला होता, त्यावेळेस त्याला ते निदर्शनास आले आणि त्यानंतर आम्ही तीन पथकं तयार केली होती तपासासाठी. मलिक साहेबांचं एक पथक होतं, संकेत शिंदे आणि महेश काळे यांच्या आधिपत्याखाली तीन पथकं करून तपास केला. तपासात पहिल्यांदा आम्ही त्या बॉडीची ओळख पटवली आणि त्याच्यानंतर इंट्रोगेशन करून तांत्रिक पुरावे गोळा करून ते तीन आरोपी ताब्यात घेतलेले. आरोपींनी गुन्ह्याची कबुली दिलेली. तर ते तीन आरोपींची नावं आहेत श्यामसुंदर शर्मा, संतोष कुमार मिश्रा आणि राजकुमार पांडे. तर हे तीन, हा श्यामकुमार शर्मा आहे तो राजस्थानचा आहे आणि मिश्रा आणि पांडे हे यूपीचे आहे. या मंदिराचा जो म्हणजे नेहमी जो पूजा पाठ जो करतो तो बालकदास महाराज, हा इतरही त्याची मंदिरं आहेत तिथं तो जात असतो आधीमध्ये. तर याला तिकडे जायचं होतं म्हणून या दोघांना त्यांनी यूपीवरनं बोलवलं होतं आणि ते जवळजवळ 5-7 तारखेपासून तिथं राहत होते आणि त्यांनी त्या रात्री तो हा प्रकार केलेला आहे.